हेलो स्टूडेंट क्लास थ्री, देखिए सवाल है 8C का। इसमें आपको दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कौन सा, इसमें जो आपका दिया हुआ है जितना भी फ्रैक्शन, जैसे 12/15 दिया हुआ है, 15/20 दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ है, तो इसमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में साधारण, एकदम साधारण तौर पर ये है कि नहीं, कि या इसमें कैसे इसको हम देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 12 और 15 का जो है हम HCF निकाल लेंगे। तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 12 का HCF टू टेबल में 6 बार में 12 है, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या होगा 2 into 2 into 3। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर 15 का है, तो उसी तरह 15 का हम लोग कर रहे हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसको लिखिए फिर भी ठीक है, नहीं लिखिए फिर भी ठीक है, 3 into 5 हो गया। अब दोनों में कौन मिल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 और ये 3 ही मिल रहा है, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 12/15 है, तो 12/15 में हम डिवाइड किए किससे, इसी 3 से, तो 3 4 जा 12, और फिर 15 को भी इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या 5 हो जाए। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 4/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसीलिए क्या हो गया कि सो 12/15 इज नॉट इन लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा और अगला सवाल बता देते हैं आपको, इसमें और आसानी हो जाएगी। नंबर 2 में आपका है 15/20, 15 और 20 का HCF निकालिए कितना हो जाएगा, 15 लीजिए, 3 5 जा 15 हो गया, 3 into 5 हो गया। अब फिर 20 का 2 10 जा 20, 2 5 जा 20, 2 into 2 into 5, दोनों में कौन मिल रहा है, देखिए 5 और 5, इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब देखिए इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, इसलिए लिख देंगे आंसर में 2 नंबर का कि सो 15/20 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए एक बतलाते हैं आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कैसे, कौन है, यहाँ देखिए नंबर 3 में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका है 24/35, तो HCF 24 का कितना होता है, 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, और यही 5 निकालेंगे हम किसका, 35 का, तो 5 से 35, तो इसमें और इसमें देखिए कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, 1 ही एक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए अगर 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही होगा, और 35 को भी डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, इसका मतलब इससे छोटा ये और नहीं हो सकता है, इसीलिए हो जाएगा 24/35 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इस तरह से आप लोग 4 से लेके 12 तक बनाइए, और इसके बाद आप लोगों को हम जितना भी आपका ये सवाल होगा, क्या कहते हैं फ्रैक्शन का, ये पूरा फ्रैक्शन का कैसे हम पहचानेंगे फ्रैक्शन को, इसमें आगे आप लोग पढ़िएगा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका सब का हम वीडियो बनाकर आपको अगली क्लास में पोस्ट कर रहे हैं। ओके।